नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है घर की सहेली में। आज मैं बनाऊंगी कटहल की सूखी सब्जी, इतने ज़बरदस्त कि नॉनवेज का स्वाद ही भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 50 ग्राम तेल, आधा किलो कटहल, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच भर के जीरा, 1 काली इलायची, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिनको तल लिया है, 2 टमाटर की प्यूरी और सूखे मसालों का पेस्ट तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और हम अपने कटहल फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो जाए तब तक इन्हें फ्राई करेंगे। कटहल 50% कुक हो जाते हैं जब हम इन्हें फ्राई करते हैं, और ये प्रोसेस ज़रा ध्यान से करिएगा क्योंकि ये प्रोसेस करने में छींटे आएंगे तो जलने का भी खतरा है। सो ध्यान से ही प्रोसेस करें। कटहल फ्राई हो चुके हैं, एब्जॉर्बिंग पेपर पे इन्हें निकाल लेंगे। ऐसा करने से एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे पेपर पे। ये देखिए, सेम प्रोसेस से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। इन्हें भी तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। दोनों तरफ से अलटते पलटते इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये भी फ्राई हो चुके हैं। चलिए अब इन्हें भी हम निकाल के अलग रख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने कटहल के बीज लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से छील लिए हैं और धो के साफ़ कर लिए हैं। ऐसा करने से कटहल खाते समय इनके छिलके मुँह में नहीं आएंगे। ये देखिए, इनको भी फ्राई कर लेंगे सेम प्रोसेस से और इनको निकाल करके अलग रख देंगे। तब तक हम अपना तेल गरम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई और कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल गरम होने पे इसमें काली इलायची और जीरा ऐड करेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। इन्हें तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनका कच्चापन ना चला जाए। अब जो मसाला हमने तैयार किया था ना, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, पानी डाल के पेस्ट तैयार कर लिया था, तो वो पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। इन्हें तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि तेल सरफेस पे ना आ जाए। यही पहचान होती है फ्रेंड्स कि मसाला खूब अच्छे से फ्राई हो गया है। ये देखिए, तेल हो गया, तेल अलग हो गया है। इसमें अब टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे और इन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर का कच्चा पन्ना चला जाए। तेल सरफेस पे आ चुका है, मींस हमारा मसाला तैयार है। तले हुए प्याज ऐड करेंगे, फिर से मिक्स करेंगे। अच्छे से भुनने के बाद में हम तले हुए कटहल ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करें, कटहल ऐड करेंगे और इनको भी तब तक अच्छे से फ्राई कर लें। यकीन मानिए दोस्तों, ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है कि घर में सभी तारीफ़ कर रहे थे। और यकीन मानिए, जब आप ये अपने घर में फैमिली को खिलाएंगे तो वो भी चिकन मटन का स्वाद भूल जाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है। अभी ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने 1 कप पानी यूज़ किया है, आप चाहें तो 2 कप 3 कप पानी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ग्रेवी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ तो सिर्फ 1 ही कप मैंने पानी डाला है। इनको मिक्स करके और 5 to 10 मिनट्स के लिए कवर करके पकाएंगे। 50% कुक हो चुके हैं जब हमने इन्हें फ्राई किया था, और 50% ये पानी के साथ में कुक हो जाएंगे। ये देखिए, सब्ज़ी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है और अच्छे से पक चुकी है। गरम मसाला ऐड करेंगे, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। इसे रोटी, पराठा, नान के साथ सर्व करें। तो चलिए इसकी सर्विंग कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें। आप जब लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज़, एक क्वालिटी वीडियो
एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूं। तो ये देखिए कटहल की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।